छत्तीसगढ़ में छात्रवत्स अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा 2023 500 पदों पर जो है भर्ती होना है, और ये भर्ती आपका जो है CGPSC के द्वारा आपका जो है होना है। तो आखिरकार जो है कब स्टार्ट होगा आवेदन करना? कुछ ही समय पहले जो है जून में स्टार्ट हुआ था, 8 जून को इसके लिए जो है छात्रवत्स अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए लास्ट डेट था, लेकिन ये भर्ती परीक्षा पोस्ट और बढ़ेगी करके जो है उस समय जो है निरस्त कर दिया गया और फिर से नई भर्ती निकल कर आ गया, ऐसी बातें चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है अभी से जो है लगन के साथ, एफर्ट के साथ, हार्डवर्क के साथ, पेशेंस के साथ जो है प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि किसी भी कामयाबी के लिए आपको शुरुआत से मेहनत करना होगा। अब आप ये सोचोगे कि नोटिफिकेशन आएगा तभी हम स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल नहीं, आप जो है कुछ भी नहीं बन पाएंगे जो इस वक्त हैं, आप वही रहेंगे या फिर आपकी हालत और बद से भी बदतर हो जाएगी। तो छात्रवत्स अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा के 500 पोस्ट की तैयारी आप जो है किस तरह से कर सकते हैं, और ये CGPSC के लेवल के हैं, 1/3 इसमें जो है माइनस मार्किंग होंगे, निगेटिव मार्किंग, और इसमें कम से कम आपको जो है जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको 33% अंक लाना है, वहीं OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट और जनरल को जो है 35 से 40% अंक लाना है, तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें इसमें एक रूल है, ये एक इसमें नियम है, और नियम कंप्यूटर्स को लेकर भी रहता है छात्रवत्स अधीक्षक में, कि कंप्यूटर से भाई आपके एग्ज़ाम में 50 प्रश्न 50 अंकों के पूछे जाएंगे, 25 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। कैसे भी करके अगर 24 नंबर आ जाते हैं, एक नंबर भी अगर आपका चूक जाता है 25 नंबर से, फिर भी आपको जो है डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे आपका मार्क्स मैथ्स में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, चाहे आपने रीजनिंग में अच्छा कितने अच्छे से नंबर क्यों नहीं लाए, चाहे GK में कितना भी आप स्ट्रांग ना हो, क्यों भी ना हो, आपको डिसक्वालीफाई जो है कर दिया जाएगा। तो कंप्यूटर्स की तैयारी भी आप जो है बहुत अच्छे से जो है कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर का नोट्स मेरे पास है, अगर जिनको भी खरीदना है तो आप जो है मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 99 रुपये उसका प्राइस रहेगा, मेरे इस नंबर पर आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर्स के सभी चीज़ों के बारे में है, चाहे वो आपके फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर जिसमें MS ऑफिस में, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, सभी चीज़ों के बारे में, चाहे VBA हो, JavaScript हो, HTML हो, फुल फॉर्म्स हो, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर के प्रकार के बारे में, लाइनक्स, यूनिक्स, सभी चीज़ों के बारे में आपको कंप्यूटर्स की जानकारी मिल पाएगा। तो 99 रुपीज़ में जिनको अगर चाहिए तो आप जो है ले सकते हैं। तो अब बात करें छात्रों से अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा का कट ऑफ, कि कट ऑफ जो है कितना जाएगा, कितने नंबर, कितने रैंक, कितने मार्क्स होना चाहिए। और हम बात करें आपके गणित के, गणित में भी आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है गणित भी मेनली, तो गणित की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, आपको पूरा सिलेबस ही दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से जानकारी मिल पाएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट, तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में छात्रवत्स अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में, कंप्यूटर्स 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। कंप्यूटर्स में कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है इसकी बेसिक जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जिसमें आपका कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग, कार्यालय में जो है उपयोग के लायक जो है सामान्य जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेब सर्चिंग, विभिन्न सरकारी वेबसाइटों की जो है सामान्य जानकारी, एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD/DVD और इन सभी की जानकारी, और गूगल अल्टा वैसे यूट्यूब सर्च इंजन, इन सभी की वांछित जानकारी जो है पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में हम बात करें हिंदी के, जो 10 अंकों के क्वेश्चन जो है आएंगे, एक एक नंबर आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए मैटर करता है। हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
तो हिंदी की स्टडी करना चाहते हैं, हिंदी के प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है दिल्ली आयुष अकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप हिंदी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आयुष अकेडमी के बुक से तैयारी करेंगे, दिल्ली आयुष अकेडमी के बुक से प्रिपरेशंस करेंगे, आप हिंदी में जो है डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें आपके इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपके एग्ज़ाम्स में जो है ग्रामर्स आते हैं, ग्रामर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रामर्स में आपके एग्ज़ाम्स में जो है नाउन प्रोनाउन टेंस वाइज नरेशन कंजक्शन प्रीपोजिशंस आर्टिकल डिग्री क्वेश्चन टैग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट फिनिट वर्ब अनफिनिट वर्ब प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देख सकते हैं ग्रामर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज डायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच नॉन मीन्स इन नॉन मीन्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस स्पेलिंग चेक ग्रामर ये सभी आते हैं, तो ग्रामर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके इंग्लिश के लिए। तो जितना ज़्यादा हो सके आप बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है, मेहनत का रिज़ल्ट बेहतर होता है। बस अपने आपको काम पर लगाना है। वहीं गणित के बात करें, जो 20 अंकों के प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम्स में, गणित में आपका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, औसत औसत निकालने से संबंधित प्रश्न, प्रतिशत में आपका प्रतिशत का अर्थ है, प्रतिशत को दशमलव व दशमलव को जो है प्रतिशत में बदलने से संबंधित प्रश्न, चाल समय दूरी निकालने से संबंधित प्रश्न, इकाई 2 में जो है देख सकते हैं सामान्य ब्याज साधारण ब्याज लाभ हानि क्रय विक्रय ये सभी चीज़ें। तो छात्र व शिक्षक श्रेणी भर्ती परीक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 35 अंकों के प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे, जिसमें आपके संविधान से भी आएंगे। संविधान में आपके आप जो है तैयारी करने के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप एम लक्ष्मीकांत की बुक से तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी जो है डेफिनेटली अच्छे से हो पाएगा, और आप जो है एग्ज़ाम्स में भी बहुत ही अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, तैयारी करना। समसाई की घटनाक्रम खेलकूद करंट अफेयर्स जी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए दोनों से तैयारी कीजिए। इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, प्रिपरेशंस भी आप जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो बस मेहनत करना, तैयारी करना। वहीं बाल मनोविज्ञान से जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके शारीरिक परीक्षण से। सो आई होप वीडियोस पसंद आया हो। अगर वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। और कटअप की अगर जहाँ तक बात करें, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के 120 से 125 नंबर में सिलेक्शन होगा, और ओबीसी का 115 से 120 नंबर में, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का जो है आपका 110 से 115 नंबर में, और एसटी का 105 से 110 इतना नंबर आ रहा है, मतलब सिलेक्शन हो पाएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।